एबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। अहमदनगर में कोरोना वार्ड में आग के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह असफल, भाजपा विधायक गिरीश व्यास का आरोप। रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर 40 लाख की ठगी का मामला, 5 लोगों को फंसाया गया, फर्जी नियुक्ति पत्र देकर की गई धोखाधड़ी। और राजधानी में शीतकालीन अधिवेशन पर फैसला सोमवार को, नागपुर में होगा या नहीं इस पर संदेह कायम। और अब खबरें विस्तार से। शनिवार को महाराष्ट्र के अहमदनगर में बड़ा हादसा हुआ। अहमदनगर के जिला अस्पताल के कोविड 19 वार्ड में आग लग गई। कोविड वार्ड में आग लगने से 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक मरीज झुलस गया और घायल है। मृतक के परिजनों में गम और गुस्सा है। वार्ड में 17 मरीजों का इलाज चल रहा था। माना जा रहा है कि कई मरीजों की मौत दम घुटने से हुई। इस हादसे पर सवाल उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी के विधायक गिरीश व्यास ने राज्य सरकार के स्वास्थ्य यंत्रणा को असफल बताया है, जिसके लिए जिम्मेदार महाविकास आघाड़ी सरकार को विधायक गिरीश व्यास ने दोष दिया। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना जिल्हा रुग्णालय अहमदनगर येथे घडली। ती घटना ज्या पद्धतीने झाली त्या सगळ्यांचा अभ्यास अद्यापपर्यंत राज्य सरकारने पूर्वीच्या घटनेचा बोध घेऊन कधीच केला नाही। ही घटना म्हणजे या सरकारचं अपयश आहे। सरकारने जे काही सभागृहामध्ये सांगितलं ते न करता हे सरकार केवळ वेळखडूपणा करताय। भंडाऱ्याच्या आयसीयूमध्ये ज्या पद्धतीनं घटना घडली त्या घटनेच्या संदर्भात आम्ही विधानसभेच्या सभेमध्ये मी, प्रवीण दटके, परिणय फुके यांनी प्रश्न लावले। तिथलं स्ट्रक्चरल ऑडिट नाही, तिथे आयसीयूची केअर नाही, तिथे आयसीयूच्या केअर करताना तिथे कोणी डॉक्टर्स नाही, आणि ज्या पद्धतीनं ज्या कंपनीनं ते बांधलं त्याची देखील पुढे कुठेही चौकशी झाली नाही। त्यापूर्वी पहिल्या आणि दुसऱ्याच्या दरम्यान मुंबईमध्ये देखील हॉस्पिटलला अशाच प्रकारची घटना घडली, मग नाशिकलाही घटना झाली, मग आता पालघरला घटनेनंतर आताही अहमदनगरला घटना झाली। या सरकारचं आरोग्य विभाग हे टोटली पूर्णतः हे अपयशी ठरलंय। मंत्र्यांचं लक्ष नाही, मुख्यमंत्र्यांचं त्याहून नाही, आणि कोणीच या गोष्टीला वाली नाही। कोणत्याही पद्धतीची तयारी ज्या पद्धतीनं करायला पाहिजे नाही। माहिती अशी आहे की तिथे आयसीयूमध्ये जे अग्निरोधक यंत्र असले पाहिजे ते यंत्र नाही, त्या आयसीयूमध्ये ज्या पद्धतीची व्यवस्था पाहिजे ती नाही, आणि सगळ्या याच्यामध्ये कोरोना सारख्या परिस्थितीत जिथे नगर हा अत्यंत डेंजर झोनमध्ये वारंवार दाखवल्या गेल्या पहिल्या दुसऱ्या आणि या तिसऱ्या लाटेच्या पूर्वेला, त्या सगळ्या याच्यामध्ये जी तयारी सरकारनं करायला पाहिजे ती करण्यात आलेली नाही। सर्वात जास्त कोरोनाचे मृत्यू आणि जास्त वेळ पॅन्डेमिकमध्ये बंद असलेला जिल्हा हा नगर जिल्हा होता, आणि या ठिकाणी पालकमंत्री असतील, या ठिकाणी काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेनेचे नेते केवळ बातम्या घेण्यासाठी काम करतात आणि प्राथमिक कुठली व्यवस्था करत नाही, आणि त्यामुळे राज्यामधील सर्व जिल्हा रुग्णालय, राज्यामधील सगळ्या ग्रामीण आरोग्य व्यवस्था या अत्यंत कुचकामी झालेल्या आहेत। सरकारचं कुठेही लक्ष नाही। ज्या अधिकारी ज्या पदावर असायला पाहिजे ते नाहीत, आणि ज्यांनी पैसे दिले, माझा स्पष्ट आरोप आहे, पैसे घेऊन बदली, पैसे घेऊन पदोन्नती, पैसे घेऊन ऍडिशनल चार्ज हे देण्याचं काम सपाटा हे सरकार करताय, आणि त्यामुळे या सगळ्या वधांची हत्या। रेल्वे में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखेबाजों ने 5 लोगों को 40 लाख रुपए का चूना लगा दिया। उन्हें रेलवे में नियुक्ति होने के फर्जी दस्तावेज भी दिए। पीड़ितों को रुपए वापस मिलने की आस थी, लेकिन आरोपी टाल मटोल करते रहे और आखिर में थक हार कर पुलिस से शिकायत करनी पड़ी। पुलिस ने अखिलेश संकुल पन्ना से लेआउट निवासी पृथ्वीराज राम नरेश पांडे की शिकायत पर मामला दर्ज किया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों में निलेश, दिलीप ठाकरे, कवलजीत गहरवाल और अजीत कुमार उर्फ हितेश हेड़ाव का समावेश है। पृथ्वीराज की निलेश से पुरानी पहचान थी। निलेश ने उसे बताया कि रेलवे के कुछ अधिकारियों से उसकी करीबी पहचान है, वहां अलग अलग पदों पर नौकरी मिल सकती है, लेकिन उसके लिए मोटी रकम खर्च करनी पड़ेगी।
निलेश ने पृथ्वीराज को कवलजीत और हितेश से मिलवाया। दोनों ने खुद को रेलवे का कर्मचारी बताया। आला अफसरों के जरिए सेटिंग कर नौकरी दिलवाने का झांसा दिया। अन्य उम्मीदवारों को भी लाने को कहा। पृथ्वीराज आरोपियों की बातों में आ गए। अपने दोस्तों को भी इसके बारे में उन्होंने बताया। चार दोस्त भी अच्छी नौकरी की तलाश में थे। सभी को लगा कि रेलवे में नौकरी मिल जाने से भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। यहां वहां से पैसे जमा कर पांचों ने आरोपियों को 40 लाख रुपए दिए। आरोपियों ने उन्हें रेलवे के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र भी दिए। बाद में जांच पड़ताल करने पर नियुक्ति पत्र फर्जी होने का पता चला। पीड़ितों ने अपनी रकम वापस मांगी तो आरोपी टाल मटोल करते रहे। आखिर पृथ्वीराज ने सोनेगांव थाने में इसकी शिकायत की। पीएसआई अनिल मांगलकर ने आरोपियों के खिलाफ विविध धाराओं के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच आरंभ की। कोरोना महामारी के संकट काल के चलते पिछले वर्ष उपराजधानी नागपुर में शीतकालीन अधिवेशन नहीं लिया जा सका था। अब जब कोरोना की तीव्रता के नहीं के बराबर हो चुकी है तो नागपुर करार के अनुसार यहां शीत सत्र की घोषणा कैबिनेट द्वारा की गई थी। 7 दिसंबर से शीतकालीन अधिवेशन यहां करने की घोषणा तो की गई, लेकिन अब तक समीक्षा बैठकों के अलावा किसी स्तर की तैयारी उपराजधानी में नजर नहीं आ रही, जिसे देखते हुए संदेह हो रहा है कि इस वर्ष भी मुंबई में ही सत्र का आयोजन किया जाएगा। विधानमंडल के एक अधिकारी ने बताया कि 8 नवंबर सोमवार को संदर्भ में मुंबई में बैठक होने वाली है और उसमें यह फैसला होगा कि सत्र नागपुर में होगा या नहीं। अभी तक लेकिन कुछ क्लियर नहीं है। वहीं यहां के कुछ विधायक तो दावा कर रहे हैं कि इस वर्ष भी नागपुर में अधिवेशन नहीं होने वाला। सरकार कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका के चलते इस वर्ष नागपुर में सत्र को टाल सकते हैं। सत्र की तैयारी के संदर्भ में जो उदासीनता विभागों में नजर आ रही है, उससे तो नागपुर में सत्र डावाडोल ही लग रहा है। हर वर्ष शीतकालीन अधिवेशन की तैयारी करीब 1.5-2 महीने पूर्व ही शुरू कर दी जाती थी। विधान भवन, रवि भवन, विधायक निवास, नाग भवन, हैदराबाद हाउस, देवगिरी, रामगिरी के रंग रोगन व साफ सफाई का कार्य शुरू कर दिया जाता था, लेकिन इस वर्ष अब मात्र 30 दिन ही शेष है, लेकिन कोई भी हलचल नजर नहीं आ रही। जानकारी के अनुसार केवल बैठकों के अलावा संबंधित किसी भी विभाग को शीत सत्र की तैयारी के स्पष्ट निर्देश तक नहीं आए हैं। सिविल लाइन परिसर के सभी डिवाइडरों की पेंटिंग, जेब्रा क्रॉसिंग बनाने का कार्य, उखड़ी सड़कों की मरम्मत का कार्य तेजी से शुरू होता था। डिवाइडरों पर नए पौधे भी रोपे जाते थे। सरकार के आगमन की पूरी तैयारी में सारा महकमा जुट जाया करता था, लेकिन इस वर्ष न जिलाधिकारी, न विभागीय आयुक्त और न ही नगर प्रशासन तैयारी करता दिख रहा है। शहर के अलग अलग थानों में दो महिलाओं और एक युवती के साथ छेड़खानी के मामले सामने आए। वाड़ी पुलिस ने थाना क्षेत्र में रहने वाली 35 वर्षीय महिला की शिकायत पर उसके ससुर के खिलाफ मामला दर्ज किया। पीड़िता की शिकायत के अनुसार शुक्रवार रात को वह अपने घर के सामने बैठी थी, उसी समय 63 वर्षीय ससुर ने उसके साथ अश्लील हरकत की। पीड़िता ने विरोध किया और अपने पति को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी ससुर को गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह दूसरी घटना अंबाजली थाना क्षेत्र में हुई। पुलिस ने 19 वर्षीय युवती की शिकायत पर काचीपुरा रामदासपेट निवासी सूरज हरी शाहू के खिलाफ मामला दर्ज किया। सूरज और पीड़ित युवती पुराने परिचित हैं। शुक्रवार शाम 7 बजे के दौरान पीड़िता अपने घर में अकेली थी। इसी दौरान सूरज बिना अनुमति लिए जबरन घर में घुस गया, उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। विरोध करने पर गाली गलौज की और मारपीट करके जान से मारने की धमकी देने लगा। पीड़ित युवती ने उसका जमकर विरोध किया। पकड़े जाने के डर से आरोपी भाग निकला। पीड़िता ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। अज्ञात आरोपियों ने एक युवक को नौकरी दिलाने के नाम पर ठग लिया। बेलतरोड़ी पुलिस ने रसीला एनक्लेव पृथ्वीराज नगर निवासी गौतम ज्योति प्रकाश राय की शिकायत पर मामला दर्ज किया। पुलिस आरोपी की कुंडली खंगाल रही है। कुछ और मामले सामने आने की भी उम्मीद है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार गौतम इंजीनियर की पढ़ाई पूरी कर चुका है और अच्छी नौकरी की तलाश में था। गौतम ने अपना रिज्यूम जॉब वेब पोर्टल पर अपलोड किया था। 20 सितंबर को रामजी बेन नामक आरोपी ने गौतम से संपर्क किया। उसे बताया कि एक विदेशी कंपनी के लिए रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हुआ है। न्यूजीलैंड की सोफिटल कंस्ट्रक्शन कंपनी में नौकरी दिलाने का झांसा दिया गया। वीजा आदि प्रक्रिया पूरी करने के लिए वीजा जानकारी ब्राइड कंपनी से संपर्क करने को कहा। वजीहा ने उसे एलिजाबेथ हलाम नामक आरोपी के बैंक खाते का नंबर दिया। वजीहा के कहने पर गौतम ने आरोपी के खाते में ऑनलाइन वीजा एप्लीकेशन, अपॉइंटमेंट लेटर, जॉब लेटर और अन्य कागजी प्रक्रिया पूरी करने के नाम पर 3,46,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करवाए। मोटी रकम मिलने के बाद आरोपियों ने गौतम से संपर्क तोड़ दिया। गौतम ने कई बार आरोपियों से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन बात ही नहीं बनी।
आखिर ठगे जाने का पता चलने पर गौतम ने पुलिस से शिकायत की। बेलतरोड़ी पुलिस ने धोखाधड़ी और आईटी एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच आरंभ की। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities। Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राज्य में महाविकास आघाड़ी सरकार ने नागपुर के संजय निराधार व श्रावण बाल योजना के हजारों वृद्ध, दिव्यांग, विधवा, अनाथ लाभार्थियों का अनुदान मिलने पिछले 1.5 से 2 वर्षों से रोक लगा रखा है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार पर गरीब निराधारों की दिवाली काली करने का आरोप लगाते हुए 1 सप्ताह के भीतर सभी पात्र लाभार्थियों के खाते में अनुदान की राशि जमा करने की मांग की, अन्यथा सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। इस संबंध में आयोजित पत्र परिषद में बीजेपी के शहर अध्यक्ष व विधायक प्रवीण दटके ने बताया कि हाल ही में समीक्षा बैठक में जिन लाभार्थियों का लाभ संजय गांधी योजना मनपा क्षेत्र नागपुर कार्यालय द्वारा बंद किया गया है, उन्हें दोबारा नया आवेदन सादर करने की अपील पालक मंत्री नितिन राउत द्वारा की गई। दटके ने कहा कि पालक मंत्री को लाभार्थियों की समस्या समझ नहीं आई। संजय गांधी निराधार कार्यालय द्वारा शहर के लगभग 30,000 से अधिक लाभार्थियों का अनुदान पिछले करीब 2 वर्षों से विविध कारण बताकर बंद कर दिया गया, जबकि इनमें अनेक लाभार्थी ऐसे भी हैं जिनका कोई दोष नहीं। अधिकारियों ने उनके द्वारा सादर कागजातों में कुछ संदेह बताकर लाभ से वंचित कर दिया। दटके ने कहा कि विभाग की गलतियों के कारण लाभार्थियों को अनुदान नहीं मिल पा रहा, जिसके चलते वो आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। पालक मंत्री ने 29 अक्टूबर को जिलाधिकारी कार्यालय में संदर्भ में बैठक ली थी और योजनाओं के प्रलंबित अनुदान की रकम 30 अक्टूबर तक लाभार्थियों के खाते में जमा करने का निर्देश दिया था। दिवाली बीत गई लेकिन मात्र 30% के खाते में ही रकम जमा हुई, 70% लाभार्थियों को अब तक अनुदान नहीं दिया गया। पालक मंत्री को इसके लिए गरीब निराधारों से सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। गेल्या 1.5 वर्षापासून भारतीय जनता पार्टी नागपूर महानगर बालपांड्यांच्या नेतृत्वात याचा पाठपुरावा करत आहे। कोविडच्या काळात 3 वेळा आम्ही माननीय ठाकरे साहेब असताना, नंतर आर विमला मॅडम आल्या असताना आम्ही निरंतर निवेदनं दिली आहेत। सर्व पात्र लाभार्थ्यांना त्या महिन्याचं त्याच महिन्यात हे अनुदान मिळावं याकरता आमची मागणी आहे। दुसरं, नागपुरातल्या किमान 30-40 हजार लाभार्थ्यांना यांनी याच्यापासून वंचित केला आहे। दुबार लाभ कोणी घेत आहे, कोणाचा मुलगा 25 वर्षाचा झाला, कोणाचं दिव्यांगाचं सर्टिफिकेट नाही, कोणाचा आर्थिक पुरावा नाही, कोणाचं अजून काय नाही, कोणाचा ऑनलाईन फॉर्म चुकला असेल तर तो दुसऱ्यांदा भरायची हे आहे, दरवर्षी आर्थिक पुरावा द्यावा अशी नवीन अट आली आहे। त्यामुळे या सगळ्या भानगडीत अनेक दिव्यांगांचं किंवा आपलं निराधारांचं अनुदान थांबलं आहे। माननीय पालकमंत्र्यांनी 21 तारखेला ही बैठक घेतली, आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, आणि त्या बैठकीत हा हे सगळे आदेश त्यांनी दिले आहे, याचा आम्ही तुम्हाला दिला आहे, हे सगळे आदेश आहेत। या आदेशाचं पण पालन प्रशासनाने केलं नाही। आजही या निराधारांची दिवाळी काही झाली आहे, 70% लोकांचे दिव्यांग, निराधार, विधवा महिला यांचं अजून अनुदान मिळालं नाही, आणि या पालकमंत्र्यांच्या या वागणुकीबद्दल त्यांनी या जनतेची माफी मागावी आणि पुढच्या 7 दिवसात सर्व पात्र लाभार्थ्यांचं अनुदान त्यांच्या अकाउंटमध्ये जमा करावं, आणि ते होणार नाही तर परत एकदा भारतीय जनता पक्ष हा रस्त्यावर उतरेल, आणि जर कायदा हातात घ्यायची पाळी आली दिव्यांगांकरता, निराधारांकरता, विधवा महिलांकरता, तरी तो आम्ही घेण्यास मागेपुढे पाहणार नाही। याच मागणीकरता आजची प्रश्न
नाही दिसतंच ते आणा, म्हणजे माननीय पालकमंत्र्यांनी म्हटलं की कोणाची दिवाळी काळी होणार नाही, 70% लोकांचं अनुदान मिळालं नाही, म्हणजे नागपूरच्या पालकमंत्र्यांचं प्रशासन ऐकतं की नाही याची चिंता आहे आम्हाला. त्यांनी विद्युत बिलांच्या वेळेस हाच निर्णय केला तेव्हाही माझ्या भगिनींची दिवाळी उत्तम होईल, भाऊबीजेची भेट देईल, तेव्हाही खोटं बोलले. आणि आता दुर्दैव असं आहे की निराधारांच्या बाबतीत, दिव्यांगांच्या बाबतीत परत एकदा त्यांची घोषणा पोकळ आहे. त्यामुळे म्हणून आज आमची मागणी आहे की त्यांनी माफी मागावी आणि प्रशासनावर कडक हे आणून त्यांनी 7 दिवसात सगळ्या निराधारांचे, दिव्यांगांचे, विधवा महिलांचे जे काही पात्र लाभार्थी आहेत त्यांचं अनुदान त्यांच्या खात्यात जमा करावं, एवढीच आमची मागणी. इस बार भी सिटी के जूनियर कॉलेजों में 11वीं प्रवेश में साइंस फैकल्टी की हालत ठीक ठाक रही, लेकिन आज कॉमर्स और एमवीसीसी के आधे ही सीटें भर पाई. छात्रों की कमी की वजह से अनुदानित जूनियर कॉलेजों में शिक्षकों के अतिरिक्त होने का खतरा मंडरा रहा है. इतना ही नहीं, स्थिति इसी तरह रही तो अगले सत्र में 11वीं के और सेक्शन बंद हो जाएंगे. इस बार 11वीं की कुल 59,195 सीटों में 2,551 सीटें खाली रह गई हैं. सीटें खाली होने में इस बार करीब 27 जूनियर कॉलेजों में 11वीं के सेक्शन बंद होने की संभावना है. इन कॉलेजों में गिनती के ही प्रवेश हुए, इस हालात में शिक्षकों की संख्या भी कम हो जाएगी. शिक्षकों को तो भी लग रहा है कि उन्हें अतिरिक्त किया जा सकता है. इस संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा दिवाली छुट्टी के बाद नियोजन शुरू करेगा. कोरोना की वजह से इस बार 100% परिणाम घोषित होने के बाद भी सभी सीटों पर प्रवेश नहीं हो सके. दरअसल शहर के अलावा अन्य जिलों से आने वाले छात्रों की संख्या कम रही, वहीं दूसरी ओर अनेक सीबीएसई स्कूलों द्वारा 11वीं के सेक्शन शुरू किए जाने से भी छात्र स्टेट बोर्ड में नहीं आए. पिछले कुछ वर्षों में जूनियर कॉलेजों ने सीटें बढ़ाई लेकिन छात्रों की संख्या नहीं बढ़ रही. सिटी के अधिकांश छात्र साइंस के साथ ही अंग्रेजी माध्यम कॉमर्स में प्रवेश लेते हैं. इस बार साइंस के कुल 28,880 सीटों में से 9,039 सीटें खाली रही, यानी साइंस फैकल्टी के प्रवेश अच्छे हो गए. दरअसल साइंस फैकल्टी आने वाले अधिकांश कॉलेजों का कोचिंग ट्यूशन से टाई अप होने से उन्हें छात्रों के लिए भटकना नहीं पड़ा. सबसे अधिक दिक्कतें आर्ट्स कॉलेजों की बढ़ गई. आर्ट्स के अधिकांश कॉलेज अनुदानित हैं. इन कॉलेजों में कर्मचारी व शिक्षकों की नियुक्ति के लिए क्लास में कम से कम 31 छात्र होना आवश्यक है. यदि छात्र कम हो तो फिर शिक्षकों का अतिरिक्त होना तय है. वर्षों से सेवा में कार्यरत शिक्षकों की भी चिंता बढ़ने लगी है. सिटी के 124 जूनियर कॉलेजों में से 27 कॉलेज बंद होने की स्थिति पर पहुंच चुके हैं. कुछ कॉलेजों में 20 से अधिक छात्रों ने प्रवेश नहीं लिया है. दिवाली के 4-5 दिन पूर्व सिटी में ठंड अपने शबाब पर आती नजर आ रही थी. सुबह और देर शाम से ठंडी हवाओं के चलते तापमान में गिरावट दर्ज हो रही थी, लेकिन दिवाली के बाद से बढ़ती ठंड पर ब्रेक लग गया है. तापमान में भी हल्की बढ़ोतरी दर्ज हुई. कुछ दिन पहले अधिकतम तापमान 29 और न्यूनतम तापमान 14 से 15 डिग्री सेल्सियस तक उतर आया था, लेकिन अब यह बढ़ गया है जिससे ठंड लगभग गायब ही हो गई है. रात में भी ठंड गायब सी हो गई और लोगों ने पंखे शुरू कर लिए. शनिवार को मौसम विभाग ने सिटी का अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, जो औसत से मात्र 0.3 डिग्री ही कम है. वहीं न्यूनतम तापमान 17.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो औसत से 0.5 डिग्री अधिक है. नवंबर मई में ये पहला सप्ताह भी समाप्त हो रहा है, लेकिन सिटी में ठंड ढंग से शुरू नहीं हो पाई है. मौसम विभाग ने संभावना जताई कि आगामी 12 नवंबर तक सिटी का मौसम कुछ इसी तरह का बना रहेगा. इस दौरान अधिकतम तापमान 29 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस तक बने रहने की संभावना है. मतलब फिलहाल कुछ ठंड तो ब्रेक लगा ही रहने वाला है. शहरी बच्चों की उम्र 2 वर्ष हुई नहीं कि पेरेंट्स अब उन्हें प्री नर्सरी शालाओं में भेज देते हैं, जहां वो तुतलाती भाषा में खेल खेल में ABCD व गिनती सीखने लगते हैं. यह उनके KG क्लास की पूर्व तैयारी होती है. ग्रामीण इलाकों के बच्चे ऐसी सुविधा से वंचित रहते हैं, इसीलिए कुछ वर्ष पूर्व जिला परिषद की प्री नर्सरी यानी आंगनवाड़ियों में 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को KG एजुकेशन देने के साथ ही उनके स्वास्थ्य जांच आदि पर पोषण आहार देने का निर्णय लिया गया था. अब वर्तमान सभापति उज्ज्वला बोडारे इन आंगनवाड़ियों को और अपडेट कर उन्हें डिजिटल बनाने पर जोर दे रही है. सभापति उज्ज्वला बुढ़ारे ने बताया कि खनिज निधि से उन्होंने आंगनवाड़ियों को डिजिटल बनाने के लिए निधि की मांग का प्रस्ताव भेजा. फिलहाल तो करीब 1.5 वर्ष से अधिक समय कोरोना संकट में चला गया और आंगनवाड़ियां बंद रही हैं.
बच्चों के घरों तक पोषक आहार पहुंचाने का कार्य विभाग द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ियां जब भी खुलेंगे तो बच्चे अधिक गुणवत्तापूर्ण माहौल मिले, उनका यह उद्देश्य है। जिले में कुल 2161 आंगनवाड़ी है, जिसमें करीब 50,000 के लगभग बच्चे आते रहे हैं। जिले में अभी भी 371 आंगनवाड़ियों के पास खुद की इमारतें नहीं, जिसके चलते वह उधार की इमारतों में संचालित किया जा रहा है। 5 वर्ष पूर्व तक केवल 1220 के पास स्वतंत्र इमारतें थी और तब दावा किया गया था कि 2018 तक सभी की खुद की इमारतें होंगी, लेकिन आज भी 1790 ही खुद की इमारतें हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि कई इमारतों का निर्माण कार्य जारी था, लेकिन कोरोना काल में निधि के अभाव में सारे कार्य अटक गए। बोडारे ने बताया कि उन्होंने डीपीसी फंड से इमारत निर्माण के लिए निधि का मांग का प्रस्ताव भेजा था। उन्हें पूरी उम्मीद है कि अब सरकार से वह निधि मिलेगी। पूर्व में इमारत निर्माण के लिए सरकार से केवल 4,05,000 रुपए मिलते थे, जो कम होने के चलते ठेकेदारों द्वारा टेंडर ही नहीं भरा जाता था, जिसके चलते इस निधि को बढ़ाया गया था। उसके बाद 4 से 5 वर्षों में 570 इमारतों का निर्माण भी पूरा हुआ। अभी भी लेकिन 371 आंगनवाड़ी खुद ही स्वतंत्र इमारत का इंतजार कर रहे हैं। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूज। नमस्कार।